हे एवरीवन, सो टुडेज ड्रग इज़ बूफोरेना, जिसे प्रूव किया था डॉक्टर कार्ल हैनकी ने। इट बिलोंग्स टू फैमिली बूफिनिडे और ये टोड स्टूल या टोड के पॉइजन से बनती है। ये पॉइजन स्किन या सबक्यूटेनियस ग्लैंड्स में पाए जाते हैं टोड के, उससे ये रेमेडी बनती है। सो दिस रेमेडी इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पॉइजन एक्सप्रेस्ड बाई क्यूटेनियस ग्लैंड्स ऑफ द टोड। The chief laurels of Bufo have been won in the treatment of epilepsy. Epilepsy में ये best remedy मानी जाती है, one of the best remedy या best remedy। बहुत अच्छे results show करे हैं इसने epilepsy को ठीक करने में। Then clinical में ये कोरिया भी involuntary muscular contraction होता है, muscles twitch करने लगती हैं face की या हाथों की या पैरों की, तो उसमें भी इसका अच्छा use होता है, सिमिलर टू एपिलेप्सी। देन इम्पोटेंसी में इट इज़ ऑल्सो यूज, लिम्फेजेनाइटिस में, पेनरिटियम में, ब्रेस्ट अफेक्शंस में और स्किन अफेक्शंस में। देन स्फेयर्स ऑफ एक्शन एंड पैथोजेनेसिस में हम देखते हैं कि ये एक्ट करती है नर्वस सिस्टम पे। एपिलेप्सी ठीक करती है तो ऑफकोर्स ये नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती ही है। देन ये स्किन पे एक्ट करती है, स्किन अफेक्शंस को ठीक करती है। हमने ऊपर देखा कि पेनरिशियम लिखा है, पेनरिशियम एंड ऑफ द फिंगर्स पे होता है, टोज पे या फिंगर्स पे। इन्फ्लेमेशन और एक पस फिल्ड स्वेलिंग हो जाती है पेनरिशियम, जिसे ठीक कर देती है बूफो दवाई। देन मेल एंड फीमेल जेनिटल सिस्टम पे ये वर्क करती है, ये इम्पोटेंसी ठीक करती है। इट कॉजेज अ डिज़ायर फॉर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक एंड प्रोड्यूसेस इम्पोटेंसी। इस मेडिसिन के पेशेंट को डिज़ायर होता है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक को पीने का, यानी कि एल्कोहल वगैरह, और प्रोड्यूस करता है इम्पोटेंसी। इम्पोटेंसी भी प्रेजेंट हो सकती है पेशेंट में, ये दवाई ठीक करती है। देन बूफो जो है कॉज करती है लो ग्रेड इन्फ्लेमेटरी एक्शन। जो पेनरिशियम कंडीशन है उसमें इन्फ्लेमेशन ही होती है एंड ऑफ द टोज और फिंगर्स पे, तो एक लो ग्रेड सी इन्फ्लेमेटरी एक्शन क्रिएट करती है ये दवाई। फिटेड एक्सलेशंस होते हैं जिसमें, यानी ऑफेंसिव सी स्मेल आती है जिनमें पस फिल्ड होते हैं, वो जो स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, और डिस्चार्जेस जो हैं वो भी फिटेड यानी ऑफेंसिव होते हैं। देन नेक्स्ट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम पढ़ते हैं कि इट इज़ स्पेशली सूटेड टू फीबल माइंडेड चिल्ड्रन हु आर प्री मेच्योरली सिनाइल। यानी ये उन बच्चों पे सूट करती है या उन पेशेंट्स पे सूट करती है जिनका माइंड, जिनका दिमाग कमज़ोर होता है, जो एज से तो बढ़ रहे हैं बट उनका माइंड कमज़ोर ही रहता है। बूफो के पेशेंट को ग्रेट सेंसिटिवनेस टू कोल्ड होता है। इट इज़ अ डीप एक्टिंग एंटीसोरिक रेमेडी, ये एक डीप एक्टिंग एंटीसोरिक रेमेडी होती है। देन हम गाइडिंग सिम्टम्स देखते हैं बूफो के, तो हमें दिखता है, हमने पहले ही पढ़ा कि एपिलेप्सी में ये बहुत ही अच्छी दवाई है, तो सबसे पहले तो एपिलेप्सी, कन्वल्सिव सीजर्स और एपिलेप्टिक फिट्स अकर ड्यूरिंग स्लीप एट नाइट। यानी जो एपिलेप्टिक फिट्स होते हैं जिन्हें दौरे कहते हैं, या सीजर्स होते हैं, सीजर्स और एपिलेप्टिक फिट्स का मतलब हम जानते हैं कि जो पेशेंट होता है वो अपने आप को कॉन्शियस भी नहीं रख पाता, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं उसकी बॉडी में, बॉवल मूवमेंट्स और यूरिनरी मूवमेंट्स भी उसकी इनवॉलंटरी हो जाती हैं, वो कॉन्शियस नहीं रह पाता। तो ये जो कन्वल्सिव सीजर्स हैं या एपिलेप्टिक फिट्स हैं, उसे ड्यूरिंग स्लीप आते हैं, जब वो सो रहा होता है तब, ड्यूरिंग क्वेश्चन भी आते हैं, एंड एट द टाइम ऑफ मेंसेस भी उसे एपिलेप्सी होती है बूफो के पेशेंट को। देन द नेक्स्ट सिम्टम इज़ द एपिलेप्टिक ऑरा स्टार्ट फ्रॉम द सेक्शुअल ऑर्गन्स और फ्रॉम सोलर प्लेक्सस। तो जो एपिलेप्टिक ऑरा है, यानी एपिलेप्सी की जो शुरुआत है या एपिलेप्टिक ऑरा की जो शुरुआत है, वो सेक्शुअल ऑर्गन से होती है, या तो बूफो में या फिर सोलर प्लेक्सस। सोलर प्लेक्सस इज़ नथिंग, सिलियक प्लेक्सस को सोलर प्लेक्सस कहते हैं, जो कि एब्डोमिन में पाया जाता है अपर पार्ट में डायफ्राम के पास। ये नर्व्स का एक, नर्व्स और गैंग्लियन का एक गुच्छा या मतलब बहुत ग्रुप टाइप होता है, और वो इस वे में फॉर्म्ड है कि हमें सोलर प्लेक्सस लगता है वो। देन नेक्स्ट सिम्टम इज़ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस मैस्टर्बेशन। डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड होता है बूफो के पेशेंट को, क्योंकि वो अपनी इन एथिकल एक्टिविटीज़ करना चाहता है। देन द नेक्स्ट सिम्टम इज़ पेनरिशियम, वेयर द पेन रन्स इन स्ट्रीक्स ऑल द वे अप द आर्म। पेनरिशियम मैंने बताया ऊपर भी कि क्या होता है, इन्फ्लेमेशन एट द एंड ऑफ फिंगर्स और टोज, जहाँ पे पस फॉर्मेशन भी प्रेजेंट हो सकती है।
और बहुत जो बूफो का होता है उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, और पेन जो होता है पूरी आर्म तक जाता है, ऊपर तक जाता है आर्म में पेनारीशियम का इन बूफो पेशेंट। देन द नेक्स्ट सिम्टम इज़ लिम्फेंजाइटिस ऑफ सेप्टिक ऑरिजिन। लिम्फेंजाइटिस मतलब लिम्फ में या तो लिम्फ का इन्फ्लेमेशन होना या उसमें इन्फेक्शन का आ जाना इज़ लिम्फेंजाइटिस। और ये जो लिम्फेंजाइटिस है वो सेप्टिक ऑरिजिन की प्रेजेंट होती है बूफो में, यानी उसमें एब्सेस प्रेजेंट हो सकता है, उसमें सेप्टिक प्रेजेंट हो सकता है। देन द माइंड सिम्टम्स ऑफ बूफो। हमने ऊपर पढ़ा कि बूफो के पेशेंट का माइंड जो होता है वो कमज़ोर होता है, उसकी एज तो बढ़ चुकी होती है बट वो उसका बचपना या चाइल्डिशनेस या जो उसका डेवलपमेंट ऑफ माइंड है वो सही से नहीं हुआ होता। सो इन बूफो लैक ऑफ डेवलपमेंट इज़ फाउंड लाइक पराइटा कार पेशेंट्स। लैक ऑफ डेवलपमेंट होता है माइंड में, मेंटल्स में। दे ऑलवेज बिहेव लाइक चिल्ड्रन, वो बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। फीबल माइंडेड चिल्ड्रन, कमज़ोर दिमाग के बच्चे की तरह बिहेव करते हैं वो। अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन रहती है उन्हें, वो कन्फ्यूज रहते हैं हमेशा कि वो मतलब उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करें या वो क्या हैं। वो बहुत बचपना होता है उनमें, चाइल्डिश होते हैं, चाइल्डिश और फुलिशनेस होती है यानी उनमें, वो स्टूपिड टाइप्स होते हैं। लॉस ऑफ मेमोरी होती है उनमें। इम्बेसिलिटी प्रेजेंट इन मार्क्ड डिग्री। इम्बेसिलिटी यानी स्टूपिडनेस, फुलिशनेस को कहते हैं इम्बेसिलिटी, जो कि बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है बूफो के पेशेंट्स में। द पेशेंट इज़ सैड, रेस्टलेस, इम्पेशेंट एंड ही इज़ एंशियस अबाउट हेल्थ। पेशेंट सैड होता है, रेस्टलेस भी होता है, और उसे इम्पेशेंस रहती है और वो एंशियस होता है अपनी हेल्थ के बारे में। डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड प्रेजेंट होता है बूफो के पेशेंट में, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस इन एथिकल थिंग्स। और उसको सेंसेशन होती है ऑफ हार्ट स्विमिंग इन वाटर, उसको ऐसा फील होता है कि उसका जो हार्ट है वो स्विम कर रहा है वाटर में। देन एलिमेंट्स फ्रॉम, यानी उसकी बीमारियाँ कहाँ से हो सकती हैं उसे, सेल्फ अब्यूज से, मैस्टर्बेशन से और इंजरी से। देन द जनरल मोडालिटीज़ ऑफ बूफो राना। एग्रीवेशन हमने पढ़ा कि ड्यूरिंग स्लीप उसको एपिलेप्टिक सिम्टम्स आते हैं, ड्यूरिंग स्लीप और ड्यूरिंग मेंसेस भी, उठने के बाद ऑन अवेकनिंग और इन वार्म रूम। बूफो का पेशेंट चिली होता है, वो इजीली कोल्ड ले लेता है बट उसे वार्म रूम में प्रॉब्लम होती है, एग्रीवेशन होते हैं उसके सिम्टम्स में। देन अम्यूलेशन यानी उसे आराम मिलता है फ्रॉम बाथिंग और कोल्ड एयर से, नहाने से और कोल्ड एयर से उसे आराम मिलता है। फ्रॉम पुटिंग फीट इन हॉट वाटर, अपने पैर हॉट वाटर में रखने से भी उसे आराम मिलता है, यानी एग्रीवेशन होता है उसे ड्यूरिंग स्लीप, सुबह उठने पे, और ड्यूरिंग मेंसेस और वार्म रूम में भी उसे एग्रीवेशन होता है, उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। थो ही इज़ अ चिली पेशेंट, और उसे आराम मिलता है बाथिंग और कोल्ड एयर से या फिर अपने फीट को हॉट वाटर में रखने से। सो दिस वॉज बूफो राना, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सेलामेंड्रा मेडिसिन है। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो इफ़ यू लाइक द वीडियो, एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।